अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की सुबह हो चुकी हुई थी हमारी। सुबह उठते साथ ही मेरी यही रूटीन रहती है कि पहले मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद ये कर्टन्स को साइड पे करती हूँ, ब्लाइंड को ऊपर करती हूँ ताकि सुबह की एक अच्छी फीलिंग आए पूरे घर में। फिर उसके बाद मेरी एक दो क्लासेस होती है, उसको अटेंड करने के बाद नाश्ता करते हैं। आज के मेरे नाश्ते में हमेशा की तरह दो अंडे हैं, रोटी है, साथ में कीमा और आलू था, रात का बचा हुआ जो सालन था मेरे पास, ये बेटे के लिए ओट्स, और यहाँ पे मैंने आज लस्सी भी बनाई है अपने लिए, नमकीन लस्सी। आप में से बहुत सारे लोग पीते भी होंगे नमकीन लस्सी, और कुछ लोग मीठी लस्सी भी पीते हैं, बट मुझे नमकीन लस्सी बहुत पसंद है। सब कामों से मैं फ्री हो चुकी हुई थी और अपने बेटे को भी सुला चुकी हुई थी। इस वक्त 3 बज रहे थे तो मैंने सोचा कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ रात के लिए। मेरे हस्बैंड को ये रेसिपी बहुत पसंद है, तो ये बहुत बेसिक और इजी रेसिपी है लेकिन हेल्दी बहुत है हमारे लिए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का एक चुकंदर लिया था, बीटरूट, उसको पील कर लिया है। पील करने के बाद इसे ग्रेट कर लेंगे, मतलब इसको क्रश कर लेंगे। साथ ही एक बाउल में मैंने योगर्ट लिया है, दही लिया, ऑलमोस्ट 6 से 7 चम्मच दही के होंगे। दही की क्वांटिटी जो है आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बीटरूट, बीटरूट के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। क्वांटिटी दोनों चीज़ों के ऊपर नीचे हो सकती है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बीटरूट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। दही में मैं चुकंदर क्रश करके ऐड कर चुकी हुई थी। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें तड़का रेडी करेंगे। जो ये तड़का मैं लगाने जा रही हूँ ये कम्प्लीटली उसका फ्लेवर चेंज कर देगा। पैन जो है वो अच्छे से हीटअप हो चुका हुआ है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। देन इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले रही हूँ। ज़ीरा के साथ साथ आप इसमें मस्टर्ड सीड भी ऐड कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में मस्टर्ड सीड मेरे पास नहीं थे और कड़ी पत्ता भी, तो मैं यहाँ पर इसमें सिर्फ ज़ीरा और लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। दोनों चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे और तड़का जो है कम्प्लीटली रेडी है। दही और चुकंदर का जो मिक्सचर बना हुआ था उसमें तड़के को ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो ये रेसिपी रोज़ नाश्ते में ले सकते हैं। सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली सॉल्ट ऐड कर सकते हैं इसमें, और साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला। चाट मसाला भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्टली इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया ऐड करेंगे। कोरिएंडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से चिल हो जाए और खाने में भी मज़ा आए। आप लोग इसको एज अ सैलड भी ले सकते हैं, एज अ स्नैक भी ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। मैं वीक में 2 से 3 बार ज़रूर ये रेसिपी बनाती हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अब चलते हैं नई रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मेरे पास मशरूम्स पड़े हुए थे तो सोचा जल्दी से उसका पास्ता बना लिया जाए, तो एक जल्दी से स्पगेटीज बनाऊंगी मैं मशरूम के साथ। बहुत सिंपल होगी, चिकन नहीं डालेगा उसमें, सिर्फ मशरूम्स डालेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग चिकन यूज़ कर सकते हैं या वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय। मशरूम को स्लाइस में कट कर लेंगे, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और सारी वीडियोज़ जाकर देखें। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे स्पगेटीज रख दी थी बॉयल होने के लिए। मेक श्योर कीजिएगा कि पानी गर्म हो, अदरवाइज़ जो स्पगेटी होती है वो चिपक जाती है एक दूसरे के साथ, तो गर्म पानी में अगर आप ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा और 7 से 8 मिनट में बॉयल हो जाएगी। यहाँ पे जब तक ये रेडी हो रही है हम लोग दूसरी तरफ एक पैन ले रहे हैं, उसमें हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, लहसुन के जवों को। पास्ता और स्पगेटी में आप लोग गार्लिक ज़रूर ऐड किया करें, इससे उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे गार्लिक को सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। जैसे ही गार्लिक का एक बहुत अच्छा सा अरोमा आने लग जाए, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आने लग जाए, तो इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स, और 4 से 5 मिनट के लिए मशरूम्स को अच्छे से गार्लिक में सॉटे कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि गार्लिक और मशरूम को आप लोग इसमें एग ऐड करके ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, और इसमें एग ऐड करके थोड़ा सा आप टमाटो सॉस ऐड करेंगे तो आप इसको टोटेला रैप्स के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे,
दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक मिनट के लिए और अच्छे से कुक कर लेंगे। देन मैं इसमें ऐड करूँगी सॉस, आप होममेड सॉस भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस, कोई भी हो आपके पास घर में पड़ी हो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल थी इस वक्त। अगर आप इसमें चिकन ऐड करना चाहते हैं, आपके पास मशरूम्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं मशरूम को चिकन की जगह पे। यहाँ पे इसमें कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन मेरा सिंपल खाने को दिल चाह रहा था। स्पेगेटिस जो है वो बॉयल हो चुकी हुई थी, हमने 2 से 3 मिनट सिर्फ सॉस को मशरूम के साथ सॉटे किया और उसमें स्पेगेटिस ऐड कर दी। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉल्ट वगैरह चेक कर लेंगे कि सॉल्ट कम तो नहीं है, ब्लैक पेपर कम तो नहीं है। इसमें मैंने कोई सोया सॉस नहीं ऐड की क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, वो पास्ता को अच्छा ही बना देंगे। तो बार बार मैं पास्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पास्ता भी ऐड हो सकता है इस पॉइंट पे स्पेगेटीज की जगह। यहाँ पे हमारी दूसरी रेसिपी भी तैयार है, अब हम चलते हैं तीसरी की तरफ। यहाँ पे मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए थे, 3 गार्लिक क्लोव्स को अच्छे से क्रश कर लूँगी। थर्ड रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स, मतलब झींगा बनाऊँगी। और झींगा भी बहुत तरह से बनता है, फ्राइड बनता है, बेक बनता है, उसका ग्रेवी भी बनती है। कुछ टाइम पहले मैंने अपने बड़े भाई की फरमाइश पे झींगा बिरयानी भी बनाई थी, उसको बहुत पसंद आई और हम सबको भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि हमने इसमें झींगा ऐड किया, क्योंकि नॉर्मली लोगों को झींगा की स्मेल से प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और गार्लिक ऐड करेंगे जो क्रश किया हुआ था हमने। प्रॉन्स में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे झींगा में यही चीज़ें पसंद है, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ में मेरे पास एक स्पाइसेस पड़ा हुआ था जो मैं मार्केट से रेडीमेड लेकर आई हूँ, जिसमें गार्लिक, ब्लैक पेपर और बेल पेपर ऐड है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं था तो मैंने इसे 20 मिनट के लिए सिर्फ मैरिनेट किया। और दूसरी तरफ इसकी कोटिंग के लिए कुछ चीज़ें लेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने मैदा, मैदा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि ये मैदे को मैं बाद में और चीज़ों में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। वाइट फ्लावर ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कॉर्न फ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी बोला जाता है। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट फ्लावर ऐड किया था, 3 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर ऐड करेंगे और बाकी इसमें स्पाइसेस जाएंगे। रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा वही स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जो बेल पेपर, ब्लैक पेपर और गार्लिक वाला। इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लावर के मिक्सचर में। कुछ लोग इस मिक्सचर में वाटर ऐड करके थिक से इसकी स्लरी भी बना लेते हैं, लेकिन आज हम लोग ड्राई कोटिंग करेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक अंडा लिया है जो प्रॉन्स में ऐड कर देंगे। एग आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे से अटैच हो जाए प्रॉन्स के साथ। यहाँ पे एक एक करके मैं कोटिंग करूँगी प्रॉन्स की, आप लोग चाहे तो 4-5 लेके बॉक्स को बंद करके मिक्स कर सकते हैं अच्छे से, तो उस तरह भी इसकी कोटिंग हो जाएगी। यहाँ पे सब प्रॉन्स की कोटिंग करेंगे और इस पॉइंट पे इसको कोट करने के बाद इसको फ्रीज़ कर दें और उसको आप फ्रीज़र में कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, निकाला और फ्राई किया और खा लिया। बहुत से लोगों को झींगा नहीं पसंद आता, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और आप लोग हमेशा खाना चाहेंगे इसको। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट झींगा फ्राई करने के टिप देती चलूँ, जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो झींगा की कोटिंग और झींगा अलग हो जाएगा। ऑयल का अच्छे से हीटअप होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सारे झींगों को मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए। एक और बात बताती चलूँ, अगर आप झींगों को थोड़ा सा एयर फ्रायर में लगा देंगे तो इसका जो पाउडर है वो ज़्यादा ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा, तो ऑयल भी गंदा नहीं होगा और झींगा भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे फ्राई होते हुए 10 मिनट्स हो चुके हुए थे और झींगा का जो कलर है गोल्डन ब्राउन आ चुका हुआ था और क्रिस्पी भी हो चुका था। अब हम इसे निकाल देंगे और सेकेंड बैच को फ्राई करेंगे। सेकेंड बैच ऐड करने से पहले मैं इसको स्टेन कर लूँगी ऑयल को स्टेनर की मदद से। आप लोग मुझे थोड़े से सजेशन दीजिएगा, आप लोग कौन सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाह रहे हैं और मैं उसको अपने स्टाइल में आपको बना के दिखाऊंगी। आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं, मुझे इनको रेडी करने में आई थिंक 1 घंटा लगा था। फाइनल लुक भी दिखाती चलूँ, यहाँ पे बीट रूट और योगर्ट का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो भी आप देख सकते हैं। साथ में हमारे पास था पास्ता, स्पेगेटीज थी और प्रॉन्स थे। मेरी पूरी फैमिली का झींगा जो है वो एक तरह से फेवरेट है,
फ्राइड हो या फिर उसको किसी भी चीज़ में ऐड किया हो, मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। और जी जनाब, तीनों चीज़ें रेडी हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में मैं आपको दिखाती चलूँ ज़ैदान क्या कर रहे हैं। जी जनाब, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।